Hi people. Okay, so today's video is about scented candles. There are a lot of people जिन्हें नहीं पता कि scented candles को use कैसे करना है. I was one of them. But today I'm going to tell you how. It is so simple and easy. इसमें कुछ होता ही नहीं actually. आपके पास जो भी scented candles हों, जैसे कि मेरे पास ये हैं, ये बहुत छोटी quantity में मैंने ली हैं कि divine candles हैं. Divine मतलब कि इसकी जो fragrance है ना, वो बहुत ही pure और soothing होती है. वो perfume और air freshener types की नहीं होती है. तो इस तरीके से आपके पास एक कैंडल होगी जो अलग अलग जार्स में आती है. अगर आप बड़ी कैंडल लोगे तो वो बड़ी भी मिल जाएगी. नाउ यू हैव टू हैव अ मैच स्टिक फॉर श्योर. तो ये मैच स्टिक लेके आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको जला देना है. येस, इट वॉज दैट सिंपल. आपको इसको सिर्फ बर्न करना और कुछ भी नहीं करना, बाकी सब कुछ ये कैंडल खुद से खुद करेगी. तो आपने इस कैंडल को जब जला दिया, उसके बाद डू नॉट एक्सपेक्ट कि एकदम से सब कुछ फ्रेग्रेंस आपको आने लग जाएगी. आपको थोड़ी देर उस कैंडल को मेल्ट होने देना है. और जैसे ही वो कैंडल मेल्ट होने लग जाएगी, तो आपने क्या करना है कि थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उसमें से हल्का सा ब्लैक फ्लेम निकलेगा. इफ यू कैन सी इन द वीडियो, तो हल्का सा ब्लैक फ्लेम निकलेगा. वो रूम में फ्रेग्रेंस को ऑलमोस्ट स्प्रेड कर रहा है. और थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट्स के बाद, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ द कैंडल, आप उसको ब्लो कर दोगे इस तरीके से. और वो जैसे ही बुझ जाएगी, तो उसके बाद आप देखोगे कि आपकी जो कैंडल बॉक्स होगा, उस जार के अंदर हाफ जो कैंडल होगी वो मेल्ट हो चुकी होगी और हाफ उसी फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में. तो वो जो सॉलिड फॉर्म वाली कैंडल है उसे वैसे ही रहने दो, और जो मेल्टेड कैंडल है वो आपके पूरे रूम के जहाँ पे भी आपने इस कैंडल को जलाया है खुशबूदार कर देगी. सो आई विश मैं आपको ये फील दे पाती कि इस कैंडल की फील और फ्रेग्रेंस कैसी है. बट ऑल आई कैन डू इज़ शो यू द प्रोसेस. थैंक यू.